आपके कई कमेंट्स आते हैं कि गट्टा करी बनाते हैं लेकिन गट्टे हार्ड रह जाते हैं, कई बार सॉफ्ट भी बनते हैं कई बार हार्ड भी हो जाते हैं। तो आज एक ऐसी रेसिपी लेके आया हूँ आपके लिए कि गट्टे कभी हार्ड बनेंगे ही नहीं, और शायद पहली बार ऐसी रेसिपी आ रही है, तो बहुत ही रामबाण वाली बोलते हैं ना जिसको, कभी ना फेल होने वाली, गारंटेड है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं गट्टा करी सावमणी या फिर भंडारी स्टाइल में। कैसे हो मेरे स्वाद के मित्रों, मैं शैबूपी आपका स्वागत करता हूँ अपनी ऑनस किचन में। सबसे पहले गट्टा बना लेते हैं सुपर सॉफ्ट गट्टा। तो उसके लिए मसाला तैयार करते हैं, 10-15 काली मिर्च के दाने, साबुत धनिया एक बड़ा चम्मच, पतली वाली सौंफ है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है एक छोटा चम्मच, जीरा एक छोटा चम्मच। इसके अलावा भी और चीज़ें डलेंगी लेकिन वो बाद में डालेंगे। तो चलिए इसको रोस्ट कर लेते हैं। हलवाई लोग जब बनाते हैं वो इसको रोस्ट वोस्ट नहीं करते, वो डायरेक्ट डाल देते हैं, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि रोस्ट करने के बाद में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और जब भी रोस्ट किया जाता है ना, हमेशा लो फ्लेम पे रोस्ट किया जाता है। हल्की सी आपको सबसे पहले जीरे की और साबुत धनिया की स्मेल आने लग जाएगी, और जैसे ही आपको स्मेल आए गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पर मुझे स्मेल आने लग गई है तो मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देता हूँ। आधा छोटा चम्मच अजवाइन, क्योंकि बेसन का काम है तो अजवाइन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। हल्का सा क्रश किया और डाल दिया, गैस की फ्लेम बंद है, पैन गर्म है हमारा, उसी में अजवाइन हो जाएगी। अब इसको हल्का सा क्रश कर लेंगे मसाले को, पाउडर मत बनाना, जब मुंह में लगता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आता है इस रेसिपी का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, बेसन। अब आप बोलेंगे बेसन में क्या बात है, ये जो बेसन हम ले रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कैसे इम्पॉर्टेंट है, अब इसकी दानेदार देखिए आप। आपने आमतौर पर कौन सा बेसन इस्तेमाल किया है, हमेशा पतला वाला जो बारीक बेसन इस्तेमाल किया होगा, लेकिन यहाँ पर जो बेसन इस्तेमाल किया जा रहा है वो मोटा बेसन इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है, ये जो दानेदार बेसन है इसके जो गट्टे बनेंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, क्योंकि उसके बीच में एयर आ जाएगी, जब एयर आ जाएगी तो अपने आप ही सॉफ्ट बनेंगे ना, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 कप मोटा बेसन इस्तेमाल किया है। ये रहा वो मसाला जो हमने क्रश करके रखा था, अभी थोड़ा नमक डलेगा, कुटी हुई मिर्च इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहें तो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुटी मिर्च का एक तो कलर बहुत अच्छा लगता है दिखने में, साथ में ये पूरा डार्क नहीं करेगा इसको। एक छोटा चम्मच, आधी छोटी चम्मच हींग इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेसन और हींग दोनों का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त है, क्योंकि जो हींग होती है वो डाइजेशन में काम आती है। 1/4 छोटी चम्मच मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, इसको सुपर सॉफ्ट बनाने के लिए। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, वैसे सवामणि में जो गट्टा बनाया जाता है उसमें घी का इस्तेमाल किया जाता है, हम यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। ये है 1/2 कप दही जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, हल्का सा खट्टा भी चलेगा। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर एक अच्छा सा कलर के लिए। अब सभी चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे, दही है तो इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, एक साथ मत डालना, पानी के छींटे मारना ऐसे करके। ऐसा करने से क्या होगा कि गीला नहीं होगा डो हमारा, क्योंकि हमको मीडियम टाइट बनाना है इसको, मीडियम टाइट, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, मीडियम। तो यहाँ पे जो डो बना है मीडियम टाइट बना है। डो लगाने में सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं हम, आपको दिखा देता हूँ एक बार में, देखिए कैसे दबा रहा हूँ, हल्का सा प्रेस करना पड़ रहा है मेरे को, तो ये प्रेस हो रहा है, होना भी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। अब बेसन है और साथ में दानेदार है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कवर करना पड़ेगा कपड़े से या फिर किसी से, आप इसको कवर कर दीजिए कम से कम 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पे लगभग 20 मिनट हो गए हैं और 20 मिनट के अंदर हमारा जो बेसन है वो फूल चुका है। अब इसके बना लेते हैं गट्टे। तो इस तरह से इसको रोल कर लेंगे, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं रखने हैं क्योंकि हल्के से फूलते भी हैं ये। तो यहाँ पे हमने गट्टे को बेल लिया है, और एक गट्टे की पहचान कैसे होती है कि भाई सही ढंग से डो बना है या नहीं बना है और ये सॉफ्ट होगा या नहीं होगा, गट्टे को इस तरह से लटका दीजिए कि टूटेगा नहीं, अगर टूट के बिखर रहा है मतलब कि ये सॉफ्ट बना है, कोई क्रैक्स नहीं दिखने चाहिए इसके अंदर, क्रैक्स है मतलब आपका डो सही नहीं बना, तो ये सारी पहचान होती है इसकी। इसी तरह बाकी भी बना लेंगे। तो यहाँ पे रेसिपी का भारी काम हो चुका है और गट्टे हमने बेल लिए हैं, अब इसको करते हैं बॉयल। तो पानी मैंने पहले से चढ़ाया हुआ है, आ जाइए कुकिंग की तरफ। गट्टा किसी भी आप बर्तन में बॉयल कर रहे हो, बर्तन का साइज जो होता है चौड़ाई उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो गट्टा बॉयल होता है तो उसको जगह मिलती है फैलने के लिए। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी है कि गट्टा डूब जाए बस, क्योंकि इस पानी का भी इस्तेमाल आगे हमको करना है। तो एक एक करके गट्टा डाल देते हैं हम इसमें। पानी का जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, हल्के हल्के बबल्स आने चाहिए। अब इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमको बॉयल करना है, और यहाँ पे उबलते उबलते लगभग 3 मिनट हुए हैं, और 3 मिनट में ये देखिए ऊपर तैर के आ गए। अब तैर के ऊपर आ गए इसका मतलब ये नहीं कि पक गए हैं, इनको पकने दीजिए अभी, और हो सके तो आप इस पे कवर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं इसको आप कवर नहीं कर सकते, ढक्कन लगा सकते हैं इस पे, तो
और भी जल्दी हो जाएगा। और जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं उनको हल्का सा नीचे की तरफ प्रेस कर दीजिए, जिससे चारों तरफ से इस पर अच्छी तरह से स्टीम लगे। ये कई बार ऐसा होता है ना कि ऊपर की तरफ रह जाता है तो वो हिस्सा कच्चा सा रह जाता है। मीडियम हीट पे लगभग 10 मिनट हमने इसको उबाला है और 10 मिनट के अंदर हमारे गट्टे अच्छी तरह से पक चुके हैं। चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट इस तरह से उबालिए आप, मीडियम हीट पे गट्टे पक जाते हैं। अब गैस की फ्लेम को कर देता हूँ बंद और गट्टे निकाल लेते हैं प्लेट में ठंडे करने के लिए। और ये देखिए कैसे फूल के मोटे हो गए हैं, इनको देख के ही लग रहा है कितने सॉफ्ट बने होंगे। गट्टों को ठंडा करने के लिए रख देते हैं और ये जो पानी रखा है ना इसको फेंकना नहीं है, इसका इस्तेमाल हम ग्रेवी में करेंगे। तो यहाँ पे हमारे गट्टे हो गए हैं ठंडे, अब इनको हम काट लेंगे। तो हम इस तरह से गट्टे काटते हैं, आपको एक गट्टा दिखाता हूँ मैं कि ये कितना सॉफ्ट बना है। अभी तो ग्रेवी में नहीं है, ये ग्रेवी में जाने के बाद और सॉफ्ट हो जाएगा। हल्का सा प्रेस किया, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे देखिए गैप है, हर दाने के बीच में गैप है तो अपने आप सॉफ्ट बनेगा ना। ये देखो अब ग्रेवी में जाने के बाद और सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप इसको फ्रिज में रखना चाहते हैं तो इस तरह से भी फ्रिज में रख सकते हो, तो आराम से ये 10 दिन चल जाएगा। और अगर आप इसको फ्राई करके रखते हो तो आराम से ये 1 से 1.5 महीने चल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप बना के रख लीजिए और जब भी गट्टा खाने का मन हो तो इसका इस्तेमाल कर लीजिए, बार बार गट्टा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गट्टे यहाँ पे कट चुके हैं तो चलिए अब बाकी की तैयारी कर लेते हैं। गट्टे की ग्रेवी बनाने के लिए हमने 2 मीडियम साइज की मिर्ची है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और साथ में 2 टमाटर। टमाटर कई जगह डालते हैं कई जगह नहीं डालते हैं, मुझे टमाटर डाल के ये अच्छी लगी इसलिए मैं टमाटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हाइब्रिड टमाटो है इससे खट्टी नहीं होती ग्रेवी। इसी के साथ में सवा मणि के जो गट्टे बनते हैं उसके अंदर प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वेजिटेबल यहाँ पे कट चुकी है, अब मसाले घोल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कप दही लिया है। जब भी कोई दही की ग्रेवी बनाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात कि दही बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए, अगर दही बहुत ज़्यादा खट्टा होता है पूरी ग्रेवी ख़राब हो जाती है, तो दही को चेक कर लें एक बार। इसी में मसाले डाल देते हैं, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाएगा मतलब कि 2/2 छोटे चम्मच, 1 छोटा चम्मच हम जीरा पाउडर डाल रहे हैं और जीरा पाउडर मैं यहाँ पे कच्चा जीरा पाउडर डाल रहा हूँ, ये बेस के लिए हम डालते हैं, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये कलर वाली मिर्च है इससे कलर अच्छा आता है लेकिन स्पाइसी ज़्यादा नहीं होती है। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, मसाले हमने मिला दिए हैं, इसी में थोड़ा सा गट्टा ऐसे मैश करके डाल दीजिए। अब क्यों डाल रहे हैं, ये एक बेस बनाएगा ग्रेवी का, ज़्यादा नहीं 3-4 डालना है, बहुत ज़्यादा डालोगे तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी ये। और गट्टा तोड़ के इस तरह से डालते हैं ना तो एक फ़ायदा और होता है कि एक बेस मिलता है, एक थिकनिंग एजेंट दही को मिल जाएगा तो हमारा दही फटेगा नहीं जब हम इसको पकाएंगे। तो चलिए सारी तैयारी हो गई, अब कुकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हैवी बॉटम की कढ़ाई ले ली है, सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया जाता है सवा मणि या भंडारों में, लेकिन हम सरसों का तेल कर रहे हैं, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल है, तेल यहाँ पे गर्म भी हो गया है और हल्का ठंडा भी हो गया है। तो 2-3 लौंग के दाने, 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, हल्की सी खुशबू आने दीजिए यहाँ पे। और जैसे ही खुशबू आती है उसके बाद में जो मसाला हमने कूट के रखा था थोड़ा सा मैंने बचा लिया था, ध्यान से कि देखिए लौंग फूटती है, अगर आपको लौंग से बचना है कि ना फूटे तो आप हल्का सा उसका ऊपर का जो टॉप उसको तोड़ लीजिए। 1/4 छोटी चम्मच हींग, हींग हमेशा दानेदार डालें तो जलती नहीं है। गैस की फ्लेम देखिए मैंने कितनी कम कर रखी है, अब यहीं पे हरी मिर्च डाल दीजिए, इसी के साथ में अदरक, स्टर कर लेते हैं। गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर रखी है मैंने यहाँ पर, धीमी धीमी आँच पर जब अदरक और मिर्च को भूना जाता है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और उस खुशबू के साथ साथ 1 बड़ा चम्मच हमने कसूरी मेथी जो कि मैंने क्रश नहीं करी है, हल्का सा स्टर करना है। जब तेल के साथ में कसूरी मेथी को इस तरह से हल्का सा इन्फ्यूज़ किया जाता है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे कसूरी मेथी मैंने रोस्ट भी नहीं करी है। कसूरी मेथी डालने के तुरंत बाद में टमाटर ऐड कर दीजिए, टमाटर के बाद में नमक, और स्टर कर लेंगे एक बार। पहले टमाटर को थोड़ा सा गला लेते हैं, आप चाहें तो टमाटर चॉप करके डाल सकते हैं या फिर यहाँ पे पीस के भी डाल सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास, या टमाटर नहीं भी डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। तो टमाटर यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, थोड़ी सी कमी लग रही है वो बाद में पक भी जाएगा। अब मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है और ये पानी डालना, और ये पानी कौन सा है, ये वही पानी है जो हमने गट्टा उबाला था जिसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि टेम्परेचर को मेरे को डाउन करना है, क्योंकि अभी दही का बेस मिलाएंगे हम इसमें। जब भी दही का बेस मिलाते हैं टेम्परेचर को डाउन कर दीजिए, ये गया दही का बेस, अब इसको लगातार स्टिर करना है वरना दही फट जाएगा। और लगातार स्टिर करते हुए हमने गैस की फ्लेम को कम भी कर रखा है, थोड़ी देर बाद हम गैस की फ्लेम को बढ़ाएंगे। दही में उबाल आ गया है तो अब ये दही फटने वाला नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है और दही को हमको पकाना है, तो हम यहाँ पे उबलता हुआ पानी डाल देते हैं। ज़्यादा नहीं डालना है, इस हिसाब से डालना है कि जितना हमको गाढ़ा चाहिए। तो अभी तो दही पकेगा, गट्टे अभी नहीं डालेंगे हम, गट्टे अगर अभी डाल दिए तो गट्टे बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे इसके अंदर। पहले दही को पकने दीजिए लगभग 10 मिनट के लिए, और इसको कवर भी कर देते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे लगभग हो गए हैं 10 मिनट और ग्रेवी थोड़ी सी यहाँ पे हल्की सी गाढ़ी भी हो गई है। दही बहुत अच्छी तरह पक चुका है, बहुत अच्छा कलर का जो निखार है वो आ चुका है। अब डाल देते हैं इसके अंदर गट्टे, आप चाहें तो गट्टे फ्राई करके भी डाल सकते हैं। गट्टों को सिर्फ एक उबाल देना है, बहुत ज़्यादा देर तक उबालना नहीं है इसमें, क्योंकि अगर ज़्यादा उबालेंगे तो गट्टे इसमें मेल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रेवी में एक उबाल आ चुका है, तो बस इतनी ही देर हमको इसको उबालना है, ज़्यादा उबालेंगे तो फिर मेल्ट हो जाएंगे। गट्टे सॉफ्ट हो चुके हैं, गैस की फ्लेम को बंद करिए और अब करते हैं फिनिशिंग। धनिया जाएगा श्रद्धा के अनुसार, थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा है तो नमक मैं डाल रहा हूँ हल्का सा काला नमक, ज़्यादा नहीं डालते काला नमक, हल्का सा डालते हैं। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो थोड़ा सा 1/4 छोटी चम्मच से भी कम नाम का गरम मसाला डाल दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने खड़े मसाले डाले हुए हैं इसमें। एक बार मिक्स करना है इसको, और एक बड़ा चम्मच देसी घी बस। चलिए, ये बहुत ही टेम्पटिंग वाली गट्टा करी हमारी तैयार हो चुकी है, सर्व कर लेते हैं इसको। सब्जी जितनी स्वादिष्ट होनी चाहिए उतनी ही सॉफ्ट होनी चाहिए गट्टे। इस बार ऐसे बना के देखना, गट्टे की सब्जी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे,